हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार, ये मेरा पाइथन का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बार ग्राफ बनाना है पाइथन में तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमें मैट प्लॉट लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो हमने कर लिया है। और मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट को इम्पोर्ट करके उसे जो है हमने शॉर्टकट में PLT नाम दे दिया है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। मतलब अब हम जब भी प्लॉट मेथड को कॉल करेंगे तो हम PLT डॉट प्लॉट लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक रोल नंबर ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि बच स्टूडेंट्स के रोल नंबर ले रहा हूँ और फिर उनका जो है एज ले रहा हूँ और फिर उसके ग्राफ बनाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर मैं 10। तो यहाँ पर 10 रोल नंबर तक का मैं क्या कर रहा हूँ कि एज ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स का एज ले लेता हूँ मैं 12, फिर उसके बाद 14। तो इस तरह से जो है हमने 10 स्टूडेंट का जो है एज ले लिया है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस डिनोट करेगा रोल को और वाई एक्सिस डिनोट करेगा एज। पर यहाँ पर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो होगा बार ग्राफ। तो यहाँ पर मुझे बार ग्राफ के लिए जो है बार मेथड यूज करना पड़ेगा जैसे वहां पर हम प्लॉट लिखते थे। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लेना चाहते हैं, रोल नंबर, और उसके बाद वाई एक्सिस के लिए हम लेना चाहते हैं एज। उसके बाद जो आप विड्थ लेना चाहते हैं, अगर वो विड्थ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ 0.2 लिख देता हूँ। उसके बाद कलर, कलर का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं देंगे तो सारा सेम कलर में आएगा, पर आप चाहते हैं कि कुछ कलर जो है कॉम्बिनेशंस बन के आए। तो उसके लिए सपोज डेट मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रीन, और उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ रेड। तो क्या होगा कि पहला जो है, पहला जो बार आएगा वो ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, इस तरह से ये प्लॉट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक बार प्लॉट हो चुका है तो अब उसके लेबल मैं दे देता हूँ। तो एक्स का जो लेबल दे देता हूँ वो मैं रोल नंबर, ठीक है, और वाई का जो मैं लेबल देता हूँ, लेबल यहाँ पर मैं दे देता हूँ PLT डॉट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर PLT डॉट मुझे लिखना पड़ेगा एज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एज ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा PLT डॉट टाइटल, और यहाँ मैं टाइटल दे दूंगा एज ग्राफ। यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ कि ये एज का ग्राफ है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ PLT डॉट शो कि आप प्लॉट को शो करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है, रोल नंबर और एज लिया है बच्चों का, और उसके बाद एक बार ग्राफ बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस रोल को डिनोट करता है, वाई एक्सिस एज को, फिर मैंने जो बार है उसका एक विड्थ आपको देना पड़ता है अगर तो वो आप दे सकते हैं अपने तरीके से। फिर कलर्स का मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया है कि ग्रीन रेड, आप चाहे तो 10 10ों के लिए अलग अलग कलर दे सकते हैं, पर यहाँ पर आप कुछ कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो ग्रीन रेड ऐसे आएगा। फिर लेबल्स हमने दे दिए, टाइटल दे दिए। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ग्राफ जो है बार ग्राफ बन चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 स्टूडेंटों का पूरा डेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले स्टूडेंट का एज 12 है, दूसरे स्टूडेंट का एज 14 है। इस तरीके से पूरा हमारा ग्राफ जो है वो शो हो रहा है। तो आ यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं एज ग्राफ है, नीचे रोल नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर है, यहाँ पर एज ग्राफ है, और यहाँ पर एज ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से बार ग्राफ बना सकते हैं। और आपने देखा कितने आसान से केवल यहाँ पर एक मेथड को कॉल करके हमने अपना ग्राफ बना लिया। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।